चैनल कुकिंग एंड डांसिंग सुबह और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पुडिंग। चलिए देखते हैं क्या है उसका प्रोसीजर। पुडिंग के लिए हम अब दूध बिठा दी है खुलाने के लिए। खोलने के लिए दूध बैठ गया है। जैसे ही दूध खोल जाता है उसमें हम इलायची, दो इलायची हम डाल रहे हैं ऐसे डिवाइड करके। जिसको चाहिए मुंह में ना लगे वो पीस के भी डाल सकता है। इसको थोड़ा सा खोलने देंगे। जैसे उसका फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर जैसे दूध में मिल जाए जैसे थोड़ा सा उबाल आए उसमें हम चीनी इसमें 1/4 कप चीनी, जितना आपको शुगर चाहिए उसी के हिसाब से डाल दीजिएगा। दूध को थोड़ा खोला दीजिएगा और जैसे इसका थोड़ा सा मिल्क रेड्यूस हो जाए तब तक उसको मिनिमम 5 to 7 मिनट्स आप खोला दीजिएगा तो फिर आपका हो जाएगा। अभी 7 मिनट हो गया है उबल के, अभी गैस को बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी गाढ़ा हुआ है उसको अभी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है हम दूसरा कर लेते हैं। पहले हम 2 अंडा लिए हैं, 2 अंडा को ले लेना है। इसको अच्छे से विस्क कर लेना है कि दूध ठंडा होगा। उसमें धीरे धीरे अंडा डालने लगेंगे। अंडा को अच्छे से विस्क कर लिए हम 2 अंडा को विस्क हो गया है, इसको साइड में रखते हैं। अभी ब्रेड को हम क्या करेंगे देखिए, ब्रेड का जो ब्राउन पोर्शन है हमको ये नहीं चाहिए, इसीलिए हम सिर्फ व्हाइट पोर्शन यूज करेंगे। हम 10 ब्रेड लिए हैं, नॉर्मल ब्रेड है, रेगुलर जो आप यूज करते हैं, व्हाइट ब्रेड जो है यूज करते हैं नॉर्मल ब्रेड है। इसको आप क्या कीजिएगा, थोड़ा हल्का हल्का निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे। ये ब्रेड का सारा जो ब्राउन पोर्शन है उसको सुखा के या फिर थोड़ा सा तवे में थोड़ा सा हल्का फ्राई करके इसको ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं, तो वेस्ट नहीं करेंगे इसको हम। अगर आप लोग चाहें तो ब्रेड क्रम्ब कैसे बनाना है वो भी आपको हम दिखा सकते हैं। कमेंट कीजिएगा कि आपको अगर ब्रेड क्रम्ब देखना है कैसे बनाना है। देखिए 10 ब्रेड को हम काट लिए हैं, सारा व्हाइट पोर्शन हम रख रहे हैं। जैसे ही दूध ठंडा हो जाएगा
उसमें हम ब्रेड छोटा छोटा टुकड़े में करके डाल देंगे उसमें। दूध अभी ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद ही आप अंडा धीरे धीरे डालिएगा, नहीं तो आप अंडा कुक हो जाएगा उसमें। अब धीरे धीरे डालिएगा दो अंडा को, एक साथ पूरा नहीं डालिएगा। इस 750 ml दूध में अंडा डाल दिए हैं। उसके बाद अभी आता है ब्रेड की बारी। देखिए ऐसे टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिएगा, नॉर्मल हल्का हाथ से, नॉर्मल हाथ से ही करके डाल दीजिए। हल्का हो गया, 10 ब्रेड को हम डाल दे रहे हैं। अगर हमको थोड़ा सा पानी लगा तो फिर और 3 ब्रेड हम रखे हैं, अगर लगा तब डालेंगे या नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए अच्छे से मिला देना है, हमको लग रहा है थोड़ा सा हल्का वाटरी लग रहा है, थोड़ा सा मिल्क ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए और 3 ब्रेड लिए हैं। टोटल 13 ब्रेड हम लिए हैं, छोटा वाला पैकेट का। एक पैकेट ब्रेड लग जाता है, एक पैकेट ब्रेड था मेरा। इसको अच्छे से मिला दीजिए, उसके बाद हम कैरामलाइज करेंगे दूध को। चलिए अभी कैरामलाइज करते हैं चीनी से। एक कटोरी हम चीनी लिए हैं, एक बाउल चीनी, और उसमें आधा बाउल हम दूध में डाले हैं। तो एक बाउल चीनी हम लेंगे कैरामलाइज कलर के लिए। देखिए पूरा बाउल, एक पूरा बाउल लिए हैं, उसमें 1 स्पून, ये 2 स्पून, 3 स्पून पानी हम डाल दिए हैं। तो अभी हम कैरामलाइज करना शुरू कर रहे हैं, चलाते रहिएगा कैरामलाइज करते समय, हाई फ्लेम में रखिएगा। देखिए अभी धीरे धीरे कैरामलाइज होना शुरू हो रहा है, और आप उसको रोकिएगा नहीं। कलर देखिए धीरे धीरे, और थोड़ा हल्का कलर हमको चाहिए, थोड़ा सा ब्राउन कलर, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर, ज्यादा भी जलाइएगा नहीं तो कड़वा लगेगा कैरामलाइज, तो इसीलिए हल्का से कीजिए। देखिए कलर कैसे रहना चाहिए, आपको हम दिखा लेते हैं। देखिए ये कलर रहना चाहिए आपका। देखिए ये कलर रहना चाहिए, कुछ नहीं डाल के ये जो कैरामलाइज है ऐसे घुमा दीजिएगा, इसको थोड़ा सा रेस्ट होने दीजिए। देखिए मेरा कैरामलाइज हो गया है, उसमें कुछ नीचे कुछ नहीं डाले हैं, बस कैरामलाइज वाला ही वो जो चीनी का किए हैं उसमें डाले हैं। ये हम केक टिन जो आता है उसमें किए हैं। आप चाहे तो आप जो टिफिन का जो बर्तन है, टिफिन स्टील का जो है, उसमें भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब केक का टिन में ही करना है। कोई भी आपका बर्तन जो कि स्टील का हो, वो शेप में हो और अच्छे से हो, उसमें कर सकते हैं बिल्कुल भी। और ये कैरामलाइज देखिए हो गया है, ये देखिए पलटने पे भी नहीं गिरेगा, वो ऐसे कैरामलाइज होना चाहिए और ऐसे कलर होना चाहिए। उससे ज्यादा डार्क आप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि डार्क करने से वो कड़वापन आ जाएगा। देखिए उसके बाद हम ये मिक्सचर ऐसे है हो गया है। देखिए
मिक्सर, दूध, चीनी, इलायची और ब्रेड को जो मिलाए हुए हैं सारा का, इसमें क्या कीजिएगा, ट्रांसफर कर लीजिएगा। देखिए ट्रांसफर कर लिए हैं, देखते हैं कैसे कढ़ाई में बनाना है। एक ग्लास हम पानी ले रहे हैं, देखिए गैस लगा दिए हैं, कढ़ाई बिठा के एक ग्लास पानी हम डाल दिए हैं। उसमें एक स्टैंड हम लिए हैं, जैसे ये स्टैंड या फिर कोई भी आप कटोरी भी रख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आपको स्टैंड चाहिए, कटोरी रख सकते भी हैं, कटोरी रख लीजिएगा। इसमें ये जो बनाए हैं हम केक टेन का, इसको हम सीव कर देंगे, रख देंगे, हम ढक लेते हैं, मीडियम फ्लेम रख लेते हैं। इसको मिनिमम 25 मिनट्स आप छोड़ दीजिए और बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा अगर पानी चाहिए नीचे, अगर खत्म हो जाए। 15 मिनट्स हो गया है, चलिए देखते हैं, लगभग पानी भी है तो और थोड़ा सा 15 मिनट्स के बाद हम देखेंगे। बीच बीच में चेक करते रहिएगा, नहीं भूलिएगा ये स्टेप, क्योंकि पानी अगर कम हो गया वो तो स्टीमिंग नहीं हो पाएगा अच्छे से, पुडिंग नहीं होगा अच्छे से, इसीलिए आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा और पानी अगर जरूरत पड़े तो डालते रहिएगा। अभी और 5 मिनट हो गया है, देखिए कैसे फूल रहा है, पानी कम हो गया है तो हम देखिए कैसे साइड से डालेंगे, ऊपर से डालिएगा तो पुडिंग में गिर जाएगा, इसीलिए साइड से आप पानी डालिएगा। एक ग्लास फिर से हम पानी डाले हैं, तो फिर से और ढक लेंगे, और 15 मिनट्स चाहिए। अभी गैस बंद कर लेते हैं, इसको उठा के देख के केयरफुली कीजिएगा, आने देते हैं, जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसको पलटेंगे, पलटेंगे तो देखिएगा वो कैरमलाइज कलर जो वो नीचे डाले थे वो ऊपर आ गया होगा। ये 15 मिनट के बाद पूरा ठंडा होके निकल गया है, अभी उसको हम पलट लेंगे, देखिए 3, 2, 1, देखिए कैसे पुडिंग बन के रेडी हो गया है मेरा, और ये पुडिंग छेनापोड़ों की तरह भी दिख रहा है और वो बहुत ही टेस्टी रहता है। दिखाते हैं आपको, बहुत ही सॉफ्ट एकदम से, देखिए बहुत अच्छा है, एकदम से टेस्टी वाला है।